IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम मौलाना अबुल कलाम आजाद। अभी कल की बात है कि हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए रो रहे थे और तमाम दुनिया में हिंदुस्तान की कौमी जागृति का शोर मच गया। क्या क्या नक्शे नहीं हैं जो हमने आज़ाद हिंदुस्तान को नहीं बनाए, और क्या क्या ख्वाब नहीं हैं जो हमने कौमी जिंदगी की नई उठानों को नहीं देखे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहियुद्दीन अहमद था। वो 1888 में मक्का में पैदा हुए। उनके वालिद अपने ज़माने के आलिम दीन और मशहूर वाइज थे। मौलाना को बचपन से मुताले का शौक था, मगर उनके वालिद को ये बात पसंद नहीं थी कि वो कोर्स की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़ें और वक्त खराब करें। लेकिन मौलाना आज़ाद का शौक किसी तरह कम नहीं हुआ। वो अपना ये शौक इस तरह पूरा करते कि अपने जेब खर्च से मोमबत्तियां खरीद कर लाते, और जब घर के तमाम लोग सो जाते तो मोमबत्ती जलाकर लिहाफ के अंदर पढ़ते। इस सिलसिले में उन्होंने एक मर्तबा लिहाफ भी जला दिया। मौलाना आज़ाद की अदबी जिंदगी का आगाज 11-12 साल की उम्र से हुआ। उन्होंने 13 बरस में फारसी की तालीम मुकम्मल की। उनका हाफजा बला का तेज था। वो पहले शायरी और बाद में नसर की जानिब मुतवज्जो हुए। मौलवी अब्दुल वाहिद ने उनका तखल्लुस आज़ाद रखा। उसके बाद उन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से शोहरत मिली। मौलाना अबुल कलाम ने 15 बरस की उम्र में लिसानुल सदक जैसे जरीदे की इदारत की। इसके बाद अल बलाग जारी किया और 20 साल की उम्र में अखबार अल हिलाल के एडिटर बने और बड़ा नाम पाया। मौलाना आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। उन्होंने बहुत पहले महसूस कर लिया था हिंदुस्तान के अंदर नफरत के बीच बोकर ये अंग्रेज अपनी हुकूमत मुस्तहकम करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक ही तो हैं, हम सब एक हैं, इसलिए मुश्तरका तहजीब और कौमी यकजहती के तसव्वुर को आम किए बगैर आजादी मुमकिन नहीं। ये सबको समझना होगा। हां, ये हम सबको समझना होगा। अपने सियासी नजरियात और पुरजोश सहाफत की वजह से मौलाना को कई बार नजरबंद किया गया, मगर वो बहादुर और निडर सिपाही की तरह वतन की आजादी के लिए जिद्दोजहद करते रहे। मौलाना आजाद सच्चे मुहिब्बे वतन थे। उन्होंने वतन की आजादी के लिए कैदोबंद की सौबतें झेलीं, लेकिन अपने रास्ते से नहीं हटे। उन्होंने दो कौमी नजरिए की मुखालफत की, मुसलमानों को तकसीम के खतरा से आगाह किया। तकसीम के बाद जो फसादात हुए उससे वो बहुत अफसरदा थे। उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में हिंदुस्तानी मुसलमानों के एक जलसे को खिताब किया। इस तकरीर के एक एक लफ्ज से दर्दमंदी का इजहार होता है। अजीजों, सितारे टूट गए तो क्या हुआ? सूरज तो चमक रहा है, इससे किरणें मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजाले की सख्त जरूरत है। आओ एहद करें कि ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे।
हिंदुस्तान जिंदाबाद। मौलाना आजाद महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत करीब थे। ये दोनों भी मौलाना की बहुत इज्जत करते थे, उन्हें अपना करीबी दोस्त मानते थे और उनसे मशवरे करते थे। मौलाना बड़ी अच्छी जबान लिखते और बोलते थे, इसमें बड़ी तासीर थी। बहुत अच्छी और जोरदार तकरीर करते थे। अंग्रेज हुक्मरां उनसे डरते थे। जंगे आजादी के दौरान मौलाना ने जो तकरीरें की हैं वो बहुत अहम हैं। आजादी के बाद वो पहले वजीर तालीम बने। वो तालीम को लाजमी समझते थे। वो तालीम से समाज में तब्दीली लाना चाहते थे। तालीम से ही समाज में तब्दीली आएगी। इंसानी शऊर की तरक्की के लिए तालीम लाजमी है। औरतों को भी ऊंची से ऊंची तालीम मिलनी चाहिए। तालीम एक मुल्क की तरक्की के लिए निहायत जरूरी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुल्क के तालीमी निजाम का तफसीली जायजा लेने के लिए कई कमीशन कायम किए। उन्होंने जो बड़े सकाफती इदारे कायम किए उनमें साहित्य अकादमी, संगीत अकादमी और ललित कला अकादमी बहुत मशहूर हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR उन्हीं का कायम किया हुआ इदारा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के मजामीन, खुतबात, मकालात और मकातीब के मजमुए किताबी सूरत में शाये हो चुके हैं। कौले फैसल, तस्किरा मकालात आजाद, तर्जुमान अल कुरान और गुबारे खातिर उनकी मशहूर किताबें हैं। मौलाना का इंतकाल 1958 में हुआ। अगर आप दिल की सच्ची लगन के साथ तैयार हो गए हैं तो आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि आपको ये मुल्क की खिदमत क्यों कर अंजाम देनी चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर चमन आरा, कलाकार परवेज गौहर और वैभव श्रीवास्तव, ध्वनि अंकन बटीलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।